तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ रंजन जायसवाल और आपको हमारे चैनल रंजन जेटेक में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर हम अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम किसी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके बारे में कि वो कौन से देश का एप्लीकेशन है या कौन सा उसका ओनर है या क्या, उसके बारे में डिटेल्स हमें जानना जरूरी होता है। क्योंकि जो एप्लीकेशन को हम अपने फोन में इंस्टॉल करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसका रेटिंग देखेंगे कि इसका रेटिंग क्या है, लोगों का या फिर रिव्यू देखेंगे। और साथ में बात ये आता है कि जिस देश का ये एप्लीकेशन है उसका भी जानना हमें जरूरी होता है। तो चलते हैं ना, आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, तो चलते हैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले आपको सर्च करके यहाँ पे दिखाते हैं फेसबुक। तो चलते हैं, लिखते हैं फेसबुक। तो फेसबुक लिखने के बाद, तो फेसबुक ओपन करने के बाद में हमें ये जानना है कि ये जो है किस देश का है, मतलब कि कहाँ का है। तो चलते हैं ना, इसको चेक करते हैं। तो इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर कॉन्टैक्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इसका ईमेल भी दिया हुआ है और साथ में एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन हैकर वे मेनलो पार्क CA 94025। तो इसका मतलब क्या होता है, CA का मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, कितने लोग ये भी बता देते हैं कि ये कनाडा का ऐप है। तो कितने लोग ये भी बता देते कि ये कनाडा का ऐप है? जी, ये कनाडा का ऐप नहीं है, ये अमेरिका का है। तो चलते हैं ना, बताते हैं आपको कैसे। तो CA का मतलब कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया एक अमेरिका का, जैसे हम लोग इधर राज्य स्टेट जो भी होता है, वैसे अमेरिका का ये कैलिफोर्निया है। तो इस पे एड्रेस है, तो इसका हम लोकेशन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका लोकेशन आ गया है हमारे पास, इंस्टाग्राम HQ लिख रहा है। तो हमने आपको कैसे बता दिया कि ये कैलिफोर्निया का, कैलिफोर्निया मतलब कि अमेरिका में है। तो चलते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पे इंस्टाग्राम HQ लिख रहा है, तो ये पूरा जूमिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे ये कौन सा देश का है। तो हम आपको बताइए कि ये कैलिफोर्निया का है, तो चलते हैं इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो छोटा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक कैलिफोर्निया आ गया होगा। कैलिफोर्निया वही जो आपके पास वहाँ पे दिख रहा था CA, तो यही कैलिफोर्निया है। तो हम कैसे कह सकते कि ये अमेरिका का है, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं, आपको बताते हैं ये कैसे अमेरिका का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट का मतलब आप सब लोग समझते हैं अमेरिका ही होता है, तो सब कोई जानता है। कैलिफोर्निया CA का मतलब यहाँ पे आप समझ गए, जूमिंग करने के बाद में कैलिफोर्निया लिखा हुआ। और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CA आ जा रहा है, तो यही कैलिफोर्निया हुआ और अमेरिका का है। तो व्हाट्सअप फेसबुक दोनों पार्टनरशिप में है, दोनों का एक ही है। फेसबुक आप देख रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सअप बाई फेसबुक होगा, फेसबुक बाई व्हाट्सअप होगा, आपके फ़ोन पर आता होगा। तो चलते हैं आपको बताते हैं कुछ और एप्लीकेशन को चेक करके। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने प्ले स्टोर में। तो चलते हैं हम कोई और एप्लीकेशन यहाँ से सर्च करते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तो यहाँ पे हम सर्च कर लिए और यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं डेवलपर कॉन्टैक्ट, फिर इस पर क्लिक करना है और इस पर साफ लिखा हुआ है फेसबुक INC 1601 वेलो रोड मेनलो पार्क CA। CA मतलब कैलिफोर्निया हुआ, उसके बाद 94025, उसके बाद में यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये अमेरिका का नहीं है, CA लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कैलिफोर्निया कनाडा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप उसका एग्जिट लोकेशन देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देख सकते हैं वो कौन सा देश का है। तो चलते हैं आपको कुछ और ऐप बतलाते हैं। तो आजकल तो पबजी को आप लोग जानते ही होंगे, तो पबजी उसको भी सर्च कर लेते हैं। पबजी पबजी मोबाइल यहाँ पे हम सर्च कर लिए, इस पर क्लिक करेंगे और फिर और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपर कॉन्टैक्ट, इस पर भी क्लिक करना है और इसका भी एड्रेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है प्लाजा सिंगापुर, तो आप समझ सकते हैं।
तो आप ऐसे किस मतलब कि देश का है ये पता कर सक। और बात रहा ओनर का, ओनर का तो जो कोई भी फेमस ऐप है उसको देखने के लिए हम सिर्फ गूगल पे सर्च मारेंगे जो भी है। तो चलते हैं ना गूगल, भी आपको हम दिखा देते हैं। तो हमने अपना गूगल ओपन कर लिया और यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक, फेसबुक ओनर नेम। तो यहाँ पे सर्च कर दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका फेसबुक का जो ओनर है यहाँ पे सर्च हो गया। तो वैसे आप किसी भी एप्लीकेशन का जो ओनर होता है, कंट्री होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया और अच्छा लगा। और अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।